नमस्कार दोस्तों, संध्या वेज किचन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके साथ बहुत ही बढ़िया रेसिपी लेकर के आई हूँ। तो ना ही आपको गैस जलाने की झंझट है और ना ही चाशनी बनाने की, और बहुत जल्दी बन जाती है। तो इसे आप तीज पर बनाइए, बहुत ही बढ़िया रहती है, क्योंकि इस टाइम पे बहुत सारा काम रहता है और व्रत भी रहता है हम सबका। तो हम ये वाली रेसिपी आप बनाइए, बहुत ही बढ़िया लगती है। आप देख सकते हैं कि मैंने कैसी रेसिपी बनाई है, बहुत जल्दी बन जाती है और बहुत ही बढ़िया लगती है, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो चलिए देख लेते हैं कि इस रेसिपी को मैंने कैसे बनाया है। आज जो मिठाई मैं बनाने जा रही हूँ, तो उसके लिए ना आपको गैस जलाने की ज़रूरत है और ना ही घंटों मेहनत करने की ज़रूरत है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या लेना है, ये लेना है कोकोनट। तो ये मैं मार्केट से लेकर के आई हूँ, तो मार्केट में बहुत ही इजली मिल जाता है। तो ये मैं ले रही हूँ 2 कप। तो मैं इस कप से मेजर कर रही हूँ, तो मैं इससे 2 कप ले रही हूँ। और अब इसमें हमें डाल देना है मिल्क पाउडर। तो 1 कप हम मिल्क पाउडर इसमें ऐड कर रहे हैं। तो 2 कप हमने लिया था कोकोनट पाउडर और 1 कप लिया है मिल्क पाउडर। आधा कप लेना है शुगर पाउडर। तो शुगर को मिक्सी में डाल करके आप चला लें। तो इससे आप हरतालिका तीज में बनाइए, सबको बहुत पसंद आने वाली है। अब इन सारी सामग्रियों को आपको हाथों से ऐसे मिक्स कर लेना है पहले, ताकि हमारी जो भी सामग्री अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। तो इस तरीके से पहले हाथों से मिक्स कर लेना है आपको। तो ये लीजिए, सारी सामग्री हमारी बहुत ही बढ़िया तरीके से मिक्स हो गई है। तब इसमें हमें थोड़ा थोड़ा सा दूध डाल करके एक इसका डो तैयार कर लेना है। अगर फ्रिज का दूध है तो बहुत ही बढ़िया बात है, और अगर नहीं है फ्रिज का तो रूम टेम्परेचर वाला दूध भी आप इसमें डाल सकते हैं, लेकिन गर्म दूध आपको नहीं डालना है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और इस डो को अच्छे से लगा करके पहले तैयार कर लेंगे। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारा बहुत ही बढ़िया तरीके से डो लग करके तैयार हो गया है, और इतना दूध हमारा बच गया है, मतलब बहुत ही कम दूध लगा है इसमें, मुश्किल से 4 या 5 चम्मच ही लगा होगा। तो अब हमें इसके 2 पार्ट करने हैं। तो एक में इस तरीके से छोटा सा पार्ट आपको अलग करना है ऐसे, और ये बड़े वाले को हम इधर अलग कर देंगे, इसको हमें वाइट ही रखना है, और इस वाले पार्ट में हमें कलर ऐड करना है। तो मेरे पास इस कलर का है, तो मैं इस कलर का ऐड कर रही हूँ। और अगर आपके पास हरा है या पीला, जो भी कलर का है आपके पास फूड कलर, तो आप उस तरीके से इसमें ऐड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बस इसी कलर का आपको ऐड करना है, जो है आपके पास वो आप ऐड कर सकते हैं। और अब इसे हमें अच्छे से हाथों से मैश कर देना है, ताकि अच्छे से कलर इसमें मिल जाए। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, इसमें बहुत ही बढ़िया तरीके से कलर मिल गया है। तो अब इसके हमें इस तरीके से छोटी छोटी सी गोलियां तोड़ करके और इस तरीके से गोले बना लेने हैं। आपको हाथों में तेल या पानी लगाने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसानी से ये गोले बन जाएंगे, देखिए। और ऐसे हमें इस तरीके से प्लेट में रखते जाना है। तो चलिए इसके फटाफट से हम सारे गोले बना लेते हैं पहले। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इतने गोले बना करके तैयार कर लिए हैं। तो चलिए इसे रख देते हैं साइड में और चलते हैं आगे की प्रोसेस में। तो अब हमने ले लेना है ये वाइट वाला पार्ट, जिसको हमने अलग रखा है। तो अब इसका हम क्या करेंगे वो आपको दिखा देते हैं। तो पहले एक बार इसे इस तरीके से हाथों से इसे थोड़ा सा इस तरीके से दबा दबा करके मैश कर लीजिए अच्छे से, ताकि थोड़ा सी चिकना हो जाए। तो अब हमें क्या करना है कि इसके थोड़े से बड़ी इस तरीके से लोई तोड़ना है आपको, और इस तरीके से करना है ऐसे, और ऐसे थोड़ा सा आप कर लीजिए ऐसे हाथों से, ऐसे चपटा करना है ऐसे इस तरीके से। और जो ये हमने गोली बना करके रखी है ना, इसे हम इसमें रख देंगे ऐसे इस तरीके से, थोड़ा सा दबाते हुए रखेंगे और ऐसे हल्का सा ऐसे लंबा कर देंगे। अगर आप चाहें तो पहले ही लंबी गोली बना सकते हैं। और अब हमें इसे क्या करना है, इसे इस तरीके से कवर कर देना है चारों तरफ से ऐसे, ऐसे हमें रोल की तरह ऐसे कर देना है, हल्का सा हल्का सा इसे प्रेस कर देंगे और ऐसे हमें ऐसे करते जाना है। ये लीजिए इस तरीके से हमें इसके रोल तैयार कर लेने हैं ऐसे। तो ये लीजिए, हमने इतने रोल बना करके तैयार कर लिए हैं। तो अब मैं आपको कट करके दिखा देती हूँ। ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल अंदर तक इसकी फिलिंग गई है, और बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं देखने में, और टेस्ट तो इसका बहुत ही बढ़िया लगता है। तो एक बार आप इसे ज़रूर बनाइए, आपको बहुत पसंद आने वाले हैं।
तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जो भी नए नए रेसिपी के वीडियो लेकर के आती हूँ आपको सबसे पहले मिले।